हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं टेक्नो स्पार्क गो 2020 की, जिसमें लगा है फाटपे लॉक। तो इस लॉक को कैसे खोलते हैं तो देखते हैं पूरी वीडियो शुरू से एंड लास्ट तक। दोस्तों इसमें जो है एंड्रॉइड 10 है। दोस्तों एंड्रॉइड 10 की FRP दोस्तों अलग ही है, यानी कि एंड्रॉइड P9 में दोस्तों FRP यानी कि क्या करते थे हम दोस्तों, इसमें थोड़ा सा अलग है। तो दोस्तों आपको वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखनी है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करो और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो देख सकते हैं दोस्तों ये फ़ोन जो है सबसे पहले वाईफाई से कनेक्ट करना है। दोस्तों मैं वाईफाई से यानी कि कनेक्ट कर लेता हूँ इस फ़ोन को। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ नहीं पैटर्न मांग रहा है। दोस्तों पैटर्न का हमें पता नहीं है दोस्तों, यानी कि नीचे दोस्तों गूगल अकाउंट, यानी कि गूगल अकाउंट का भी दोस्तों इसका हमें पता नहीं है। अगर दोस्तों इनका पता होता है दोस्तों हमारा फ़ोन बिल्कुल ऐसे खुल जाता, वरना हमारा फ़ोन ऐसा नहीं खुलेगा। दोस्तों इसे खोलने के लिए सबसे पहले आपको दोस्तों करना क्या है, दोस्तों आपको सबसे पहले वाईफाई से कनेक्ट करना है। वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको बिल्कुल बैक आना है। देख सकते हैं दोस्तों यानी कि बिल्कुल आपको दोस्तों बैक आना है। तो देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल आपको बैक आना है। देख सकते हैं दोस्तों नीचे एंड्रॉइड 10 यानी कि देख सकते हैं दोस्तों पहले क्या था एंड्रॉइड P9 चल रहा है। दोस्तों अब जो है एंड्रॉइड 10 यानी कि दोस्तों लेटेस्ट वर्जन यानी कि आ चुका है। तो दोस्तों अब करना क्या है, दोस्तों आपको सबसे पहले यानी कि लैंग्वेज पे जाना है। दोस्तों जैसे P9 क्या करते हैं दोस्तों, इसमें थोड़ा सा बस थोड़ा सा अलग है दोस्तों, वो अगर नहीं करेंगे दोस्तों आपका फ़ोन यानी कि हैंग ऑन लोगों पर चले जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। दोस्तों आपको जो है ना यानी कि हिंदी सेलेक्ट करनी है और भाषा, फिर दोस्तों आपको नेक्स्ट करना है, वहीं जाना है दोस्तों जहाँ पर आपको गूगल अकाउंट मांग रहा था। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ आने के बाद दोस्तों फिर आपको वाईफाई डिसकनेक्ट करके दोस्तों कनेक्ट करना है, यानी कि इससे आगे अगर ऐसे करेंगे तो दोस्तों बढ़ने का नहीं है। दोस्तों वाईफाई हटा के यानी कि दोबारा कनेक्ट करना है, तब जाके दोस्तों आगे बढ़ेगा। दोस्तों ये एंड्रॉइड 10 में दोस्तों आया है। तो देख सकते हैं दोस्तों मैं फिर से नेक्स्ट कर लेता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों वहीं जाना है गूगल अकाउंट पर। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ नीचे एट द रेट के बराबर में दोस्तों निशान है, दोस्तों इस पर आपको दोस्तों क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपको भाषा सेटिंग पर जाना है। फिर दोस्तों यहाँ नीचे कीबोर्ड जोड़ें दोस्तों यहाँ जाना है। फिर दोस्तों आपको देख सकते हैं सबसे ऊपर दोस्तों यहाँ अंग्रेजी का ऑप्शन है दोस्तों, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके सामने निशान है दोस्तों, यहाँ आपको क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपको 3 डॉट ऊपर मिल जाएंगे, यहाँ क्लिक करना है दोस्तों। फिर सहायता और फीडबैक पर दोस्तों आपको जाना है। दोस्तों मैं सहायता और फीडबैक पे दोस्तों चले जाता हूँ। फिर यहाँ जाने के बाद दोस्तों आप यहाँ आपको ऊपर सर्च में यानी कि डी दबाना। देख सकते हैं दोस्तों अभी हमारा फ़ोन जो है हिंदी में यानी कि लैंग्वेज यानी कि अब इंग्लिश करनी है दोस्तों, तो इस पर क्लिक करना है दोस्तों, अब जो है इंग्लिश हो जाएगी। तो फिर डी दबाना, फिर सबसे ऊपर वाले पर डिलीट और डिसेबल ऐप्स पर आपको क्लिक करना है। फिर क्लिक करने के बाद दोस्तों नीचे एक इस नंबर पर पहले नंबर पर दोस्तों यहाँ आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके फ़ोन की जो एप्लीकेशन होती है सारी वो आ जाएंगे दोस्तों। यहाँ क्रोम ब्राउजर भी आएगा दोस्तों, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इसे जो है ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों हमारा जो फ़ोन का ब्राउजर होता है, क्रोम ब्राउजर होता है दोस्तों, वो ओपन हो जाएगा। और इस से दोस्तों दो एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है दोस्तों। आपको साइट का पता हो तो दोस्तों आप साइट डाल लें, नहीं पता तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ इस साइट से आपको दोनों एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। जिसमें दोस्तों BK स्मार्ट फोन दोस्तों आपको लिखना है, BK स्मार्ट फोन, और सबसे ऊपर वाली साइट पे BKSmartphone.com वाली साइट पे आपको क्लिक करना है। फिर दोस्तों गूगल अकाउंट बाईपास 2020 पे दोस्तों आपको जाना है। फिर देख सकते हैं दोस्तों यहाँ आपको अब यहाँ दूसरे नंबर की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। फिर एक 5वें नंबर की दोस्तों 5 नंबर की जो है एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करनी है दोस्तों। आपको यहाँ 3 डॉट पर जाने के बाद दोस्तों आपको डाउनलोड में जाना है। फिर दोस्तों सबसे पहले एंड्रॉइड यानी कि 8 जो एप्लीकेशन थी, इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में दोस्तों इंस्टॉल करना है। इस तो देख सकते हैं दोस्तों मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। फिर दोस्तों FRP बाईपास जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। और इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों ओपन भी करना है दोस्तों। यहीं दोस्तों ओपन कर लेना है। फिर दोस्तों आपको 3 डॉट पे जाना है ऊपर। फिर ब्राउजर साइनिंग पे दोस्तों, फिर दोस्तों यहाँ आपको अपनी नई ईमेल आईडी यानी कि गूगल अकाउंट जो है आपका नहीं है तो दोस्तों आप पहले बना लें दोस्तों। अगर है तो गूगल अकाउंट और पासवर्ड इसमें डाल के दोस्तों लॉगिन कर दें। इससे क्या होगा दोस्तों, हमारा पुराना अकाउंट जो फ़ोन में पड़ा था वो डिलीट हो जाएगा और नया अकाउंट जो हम डालेंगे दोस्तों वो ऐड हो जाएगा।
दोस्तों ऐड होने के बाद दोस्तों अपना फ़ोन दोस्तों यहाँ बंद नहीं करना दोस्तों, बिल्कुल ऐसे बैक करना है। तो देखते हैं दोस्तों मैं बैक कर लेता हूँ। कभी आप दोस्तों यानी कि बंद कर दें यानी कि रिस्टार्ट कर दें दोस्तों, आपका फ़ोन दोस्तों एंड्रॉयड 10 में यानी कि हैंग उन लोगों पर चला जाएगा दोस्तों। बिल्कुल भी आपको बंद नहीं करना दोस्तों यहाँ फ़ोन अपना, यानी कि देखते दोस्तों कभी पहले दोस्तों एंड्रॉयड P9 में दोस्तों पहले यानी कि फ़ोन रिस्टार्ट किया करते हैं दोस्तों, आप बिल्कुल भी आपको रिस्टार्ट नहीं करना दोस्तों, आप बिल्कुल ऐसे ही बैक करना दोस्तों। दोस्तों मैं बैक कर लेता हूँ। कभी आप दोस्तों बंद कर दें आप दोस्तों, आपको बिल्कुल भी बंद नहीं करना दोस्तों, बिल्कुल ऐसे ही बैक करना दोस्तों। और बंद कर देता दोस्तों आपका फ़ोन जो है हैंग उन लोगों पर चले जाएगा दोस्तों। मैं बैक कर लेता हूँ, बिल्कुल आपको दोस्तों बैक करना है। बैक करने के बाद दोस्तों यहाँ से यानी कि इंग्लिश भाषा आपको यानी कि सेलेक्ट करनी है। तो दोस्तों आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करना है। और दोस्तों हमारा जो अकाउंट है दोस्तों फिर यानी कि वाईफाई से आगे नहीं बढ़ने का दोस्तों, मैंने बताया था दोस्तों आपको वाईफाई क्या करना है यानी कि डिस्कनेक्ट करके दोस्तों आपको कनेक्ट करना है, यानी कि देख सकते हैं दोस्तों ऐसे नहीं बढ़ने का वाईफाई, देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल भी कनेक्ट है। और दोस्तों एंड्रॉयड 10 में दोस्तों ऐसा हो रहा है दोस्तों, यानी कि इसे जो है डिस्कनेक्ट करके यानी कि फिर से कनेक्ट करना है, तभी हमारा फ़ोन दोस्तों आगे यानी कि बढ़ेगा। तो देख सकते हैं दोस्तों यानी कि अकाउंट एडिट जो पुराना अकाउंट था वो डिलीट हो चुका है, और दोस्तों हमने जो नया अकाउंट इसमें डाला वो दोस्तों बिल्कुल ऐड हो चुका है, अब हमारा फ़ोन बिल्कुल ओके खुल जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा फ़ोन बिल्कुल ओके खुल चुका है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो जो लाइक करें, हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वीडियो देखने के लिए, आपका दिन शुभ हो।